हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। ये वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिया तो क्या। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ पर ट्रेनिंग में आते हैं और तो मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, बायर्स ने अगर गुड्स रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। या यहाँ यूट्यूब पे भी कमेंट्स आए हुए हैं कि सर, बायर ने अगर गुड्स रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो वेरी सिंपल है, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो पहली बात तो एक आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम लर्न करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। यहाँ पे आता है कि एक आता है इंको टर्म, इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म, दूसरा आता है पेमेंट टर्म। तो आपका उसमें ये देखना है, उसमें आपका पेमेंट टर्म क्या था, आपका इंको टर्म क्या था। तो यहाँ पे देखो, एक बार हमने यहाँ से एफओबी कर दिया, मतलब गुड्स जो है उसका ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, तो वो गुड्स जो है बायर का हो जाता है, उसने परचेज किया है वो गुड्स उसका हो जाता है। तो अभी वो जो बायर है वो रिजेक्ट नहीं करता है, पर मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या है। कंट्री रिजेक्ट कर सकती है, क्या कंट्री जो है रिजेक्ट कर सकती है। हमारे जो है ये जो है एक स्टूडेंट है, उसका ही ऐसा हुआ था, वो मैंगो का एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो मैंगो का एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसने यहाँ से यूएसए शिपमेंट भेजा और रास्ते में उसकी मैंगो खराब हो गई, तो फिर क्या हुआ, तो वहाँ कस्टम ने अलाउ नहीं किया उसे कि ये जो मैंगो है उसे हम कस्टम क्लियरेंस नहीं कर सकते, अमेरिका में एंट्री ही नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, फिर कस्टम ने ये जो हमारे जो स्टूडेंट है उसको बोला कि आपको इसको ये मैंगो को डिस्ट्रॉय करने के 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे। क्या, जो मैंगो वहां पे गया है जो खराब हो गया उसको डिस्ट्रॉय करने के 50,000 रुपीज देने पड़ेंगे, और इसको देना पड़ा। क्यों, अगर आप वो 50,000 रुपीज नहीं दोगे तो आपका जो आईसी है वो अमेरिका में बैंड हो जाएगा, तो देना पड़ेगा। तो ऐसे कंट्री रिजेक्ट करती है, समझ में आ रहा, बायर के साथ हमने एडवांस पेमेंट ले चुके हैं, बराबर है, और इनको टर्म जो है हमारा जो साफ है एफओबी है, तो हम ऑलरेडी हम सेफ से। फिर वहां जाके कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी आया तो फरियाद कर सकता है बायर, क्या कर सकता है, रिजेक्ट नहीं करता है, उसको माल तो खरीद लिया, आप समझ रहे। देखो ग्राहक सुरक्षा बोलते हैं ना, हम इंडिया में भी कोई चीज परचेज करके घर पे आते हैं, हमने कोई मॉल में से कोई जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परचेज किया, बराबर, तो पेमेंट भी दे दिया, बिल भी ले लिया, और घर पे आया तो वो चल नहीं रहा है, तो हम क्या करते, वहां पे कंप्लेन करते हैं। तो दो चीज है, एक अगर अच्छा जो मॉल है वो अच्छा है तो आपको रिप्लेस करेगा, चेंज करेगा, आपका पैसा बैक देगा, बट अगर मॉल अच्छा नहीं है तो बोलेगा हमने एक बार गुड्स को सेल कर दिया, हमारा कोई गारंटी नहीं है। सेम चीज़ है, अगर बायर जो हमने आपने पैसा ले लिया है, अब वो बोले रिजेक्ट करना है, ये करना है, उसके हाथ में वो चीज़ नहीं है, और जेन्युइनली कुछ, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वहाँ गुड्स खराब निकला, तो ऐसे कुछ खराब निकलता नहीं है, किसी ने खराब अंदर रखा है तो ही खराब निकलेगा। तो आप जब एक्सपोर्ट करते हो, यू आर एक्सपोर्टर, आपने खराब गुड्स रखा है, नहीं रखा है, आपने अच्छा गुड्स रखा है, बराबर है, तो वो अमेरिका गया, अब बायर क्यों रिजेक्ट करेगा, अच्छा गुड्स है तो रिजेक्ट ही क्यों करेगा। और फ्रॉड बायर है, देखो यहाँ पे दो चीजें, और बायर अच्छा नहीं है, फ्रॉड है, तो रिजेक्ट ही करेगा, सही में आ रहे, तो रिजेक्ट करेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। देखो अच्छी, तो आप कुछ नहीं कर सकते, जब भी आप एक्सपोर्ट करो पर पेमेंट एडवांस ले लो ना, फिर बायर रिजेक्ट करे कुछ भी करे उसकी मर्जी, उसका गुड्स है, समझ में। तो बायर रिजेक्ट अकॉर्डिंग टू मी नहीं करता है, समझ में आ रहा है, जो उसकी कंट्री रिजेक्ट कर सकती है। और खराब आया, आपने खराब भेजा ही नहीं, तो खराब निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो खराब गुड्स है ही नहीं, और खराब गुड्स है ही नहीं तो बायर रिजेक्ट ही नहीं करेगा। कोई पेरिशेबल कार्गो है जो रास्ते में खराब हो गया तो फिर वो आपके कंप्लेन करेगा, और आप जेन्युइन हो तो जो भी 50-50 होता है, जो भी करना है तो वो आपका जो है वो आपको करना रहेगा। बाकी जो बायर जो है वो गुड्स रिजेक्ट नहीं करता। आप सिस्टम सीखो, हमारे पास पेमेंट आ चुका है, हमारा एलसी हो चुका है, हमारा इनकोटम क्लियर है, तो बायर कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसे रिजेक्ट करना तो मंगा है क्यों। और अगर वो फ्रॉड बंदा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, वो बोलेगा नहीं आपने बाकी में पेमेंट था और वो फ्रॉड बंदा है, बराबर, तो बोलेगा गुड्स खराब है, वो बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लॉस हुआ, प्रैक्टिकली आपको लॉस हुआ। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत कम में होता है, हमें सिस्टम से काम करना होता है, सिस्टम से ही यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस चलता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सिस्टम से आप सीखो, और मैंने प्रैक्टिकली देखा है फ्रॉड उसके साथ होता है जिसको जो है लाइक पता नहीं है, उसको जो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पता नहीं है उसके साथ ही फ्रॉड होता है, बाकी जिसको नॉलेज है उसके साथ फ्रॉड नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, और कुछ भी डिटेल में आपको जानना है तो यहाँ पे कमेंट कीजिए, और प्रैक्टिकली आप उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम बायर जेन्युइन है कि नहीं कैसे जानना है, वो सीखना चाहते हो तो जो हमारा ट्रेनिंग रहता है आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।